इस वीडियो में बताने जा रही हूँ बंधा गोभी का स्वादिष्ट चटपटा और लाजवाब कचौड़ी कैसे बनाई जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। गोभी का कचौड़ी बनाने के लिए एक बंद गोभी लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं और 1 प्याज लिए हैं। बंद गोभी को जो है कद्दूकस कर लेंगे और हरी मिर्च प्याज को बारीक काट लेंगे। अब देखिए बंद गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं, प्याज और हरी मिर्च और धनिया का पत्ता को बारीक काट लिए। अब जो बंद गोभी जो कद्दूकस किए हैं और बारीक जो काटे हैं प्याज और हरी मिर्च और धनिया का पत्ता, इसे जो है अब कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें जो है 2 टेबल स्पून के बराबर तेल भी देना है। ये तेल गर्म हो गया है, इसमें जो है बारीक काटे थे हरी मिर्च भी दे देना है, प्याज दे देना है। प्याज को और हरी मिर्च को जो है भूरा होने तक इसको भूनना है। देखिए भूरा हो गया है प्याज और मिर्ची। अब इसमें जो कद्दूकस किए थे बंद गोभी को वो डाल देना है और इसको 2 से 4 मिनट तक इसी तरह पकाना है। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लिए हैं। अब इसमें जो है 1/2 टेबल स्पून नमक देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक दीजिए। उसके बाद जो है इसको इस तरह से मिला देंगे, 1 से 2 मिनट तक इस तरह से इसको पका लेना है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लिए हैं, अब इसको प्लेट में जो है निकाल लेंगे। देखिए बंद गोभी को जो फ्राई किए थे उसे प्लेट में निकाल लिए हैं। इसको तब तक ठंडाने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट तक। उधर हम आटा गूंथ, देखिए आटा लिए हैं 1 कटोरा। इसमें जो है 1 चुटकी मंगरेल देना है, 1 चुटकी अजवाइन देना है और 1 चुटकी नमक देना है और इसको जो है इस तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से गूंथ लेंगे आटा को। देखिए आटा गूंथ लिए हैं। यह जो बंद गोभी को फ्राई किए थे वह ठंडा हो गया है। अब इसमें जो है बारीक जो काटे थे वह धनिया का पत्ता डाल देना है, 1 चुटकी मंगरेल दे देना है, 1 चुटकी जो है अजवाइन दे देना है। अब इसको इस तरह से मिक्स करके अब आटा का लोई बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से लोई बनाना है, उसको इस तरह से आटा में करके इस तरह से ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद जो है इसमें फ्राई किए जो बंद गोभी है उसको इस तरह से छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह से डाल देंगे। देखिए इस तरह से डाल के इस तरह से इसको बनाना है। देखिए इस तरह से इसको इसी तरह से सारे कचौड़ी बना लेना है इसी तरह से। अब देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम कचौड़ी छाँक लेंगे। अब देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें जो है इस तरह से ये कचौड़ी को डाल के एकदम दोनों बगल जो है दोनों तरफ भूरा होना है। उसके बाद इसको निकालेंगे। देखिए इसको एक बगल जो है पूरा भूरा हो गया है, इधर भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको पलट देना है इस तरह से। देखिए दोनों तरफ जो है भूरा होना है, उसके बाद इसको निकाल लें। अब देखिए यह भूरा हो गया है, इसको जो है इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे कचौड़ी को छाँक लेना है। गोभी का बेहद ही स्वादिष्ट और लाजवाब कचौड़ी बन के तैयार है। आप इसे नाश्ता में परोस सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसा